गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमने बनाना है दैट इज बीज लोन अकाउंट. जो टोटल बी को जो रिटायर हो रहा है, जो उसको ड्यू था वो था 359920, जिसमें से अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस जो क्वेश्चन में मेंशन है 159920 हमने उसे कैश में पे कर दिया. तो टू बैंक अकाउंट हमने 159920 लिखा था और बाकी जो बैलेंस 2 लाख का बचा उसे हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, दैट इज कि जो बी के लोन अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है 2 लाख रुपीज, उसे हमने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना है और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट हमने उसे देना है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 1 बाय बीस कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज, 2 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट December 31st को ड्यू होगा. तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24,000, 2 लाख के ऊपर 12%. देन 2 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, इसका अगर हम 1/4 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा. 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो इसीलिए हमने 2 लाख को डिवाइड बाय 4 किया तो 50,000 आया. तो 50,000 प्लस जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है आप उसे पे करेंगे 31st दिसंबर को. तो बैंक अकाउंट 50,000 प्लस 24,000, 74,000. दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो 31st दिसंबर को टू बैलेंस CD 1,50,000. इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस BD 1,50,000. अगेन जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब है वो है 150 के ऊपर आपने 12% इंटरेस्ट लगाया तो 18,000 आ गया. देन December 31st को जो उसे पे करना टू बैंक अकाउंट 50,000 प्लस 18,000 प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट प्लस जो आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ 68,000 की पेमेंट. देन December 31st को टू बैलेंस CD 1 लाख आ गया. देन अगेन नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुआ वो तो बॉट डाउन 1 लाख रुपीज, इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर 12% से 12,000. देन टू बैंक अकाउंट 50,000 प्लस 12,000, 62,000 की आपने पेमेंट की एंड बैलेंस रिमेन्स 50,000. देन अगेन नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस BD 50,000 और रिमेनिंग 50,000 पे आपका इंटरेस्ट आपने लगाया 12%, 6,000. तो टोटल बैंक में के थ्रू जो आपने पेमेंट की दैट इज 50,000 प्लस 6,000, 56,000. तो ये था हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन कि आप कैसे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके सेटलमेंट आप करते हैं. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. यूजुअली जो फर्म होती है वो जॉइंट एज वेल एज इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेती है ऑन द लाइव्स ऑफ पार्टनर्स और उसके लिए जो प्रीमियम है फर्म पे करती है. तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एंटाइटल्ड होता है जो शेयर प्रोसीड्स होंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के उसके लिए. तो जो शेयर है आउट ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी उसे दिया जाएगा. जो सरेंडर वैल्यू है वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी देगी फर्म को जब आप लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करवा रहे हो अगर बिफोर द मेचोरिटी ऑफ पॉलिसी. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तो जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे हम 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं. फर्स्ट है अगर जो प्रीमियम आपने पे किया है उसे कंसीडर किया है आपने एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उस केस में क्या एंट्री होगी और वो एंट्री सरेंडर वैल्यू से होगी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये जो एंट्री होगी वो ओल्ड रेशो से होगी. अगर आफ्टर द रिटायरमेंट जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने शो नहीं करनी है तो उसे राइट ऑफ करने की हम एंट्री पास करेंगे और राइट ऑफ के लिए एंट्री होगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. देन सेकेंड जो इसका मेथड है दैट इज कि अगर जो प्रीमियम आपने पे किया है उसे कंसिडर आप कर रहे हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को आप कंसिडर कर रहे हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही होगी तो कोई फर्दर ट्रीटमेंट उसकी नहीं होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. लेकिन जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है आपने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना है तो उस केस में आप राइट ऑफ की एंट्री करोगे और वो होगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. अब अगर आपने ध्यान से इस टॉपिक को देखा होगा तो ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने एडमिशन के टाइम पे किया था.
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिटायरमेंट एंड एडमिशन. एक ही क्वेश्चन में अगर आपको दोनों चीजें गिवन हो तो हम कैसे करते हैं. तो इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम कर रहे हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 27. यश एंड मल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. इट इज एग्रीड दैट यश शुड रिटायर एंड हिज सन विजय शुड जॉइन मलिक इन पार्टनरशिप एंड शुड बी एंटाइटल्ड टू 2/5 प्रॉफिट ऑफ द फर्म. बैलेंस शीट ऑफ यश एंड मलिक इज एज फॉलोज. हमें बैलेंस शीट दी हुई है. सनड्राइड लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट्स, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग. फॉर द अबव पर्पस द एसेट्स ऑफ द फर्म वर वैल्यूड. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेप्टर्स. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 20,000. इट वॉज डिसाइडेड दैट इनफ मनी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू अनेबल यश टू बी पेड आउट एंड लीव 2,000 एज वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेइंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड दैट मलिक एंड विजय शुड प्रोवाइड सच सम्स एज वुड मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. यश एग्रीड टू मेक गिफ्ट टू हिज सन विजय बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट हाफ ऑफ द अमाउंट विच विजय हैज टू प्रोवाइड. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट. तो सबसे पहले हम रिवेल्युएशन अकाउंट बनाएंगे. रिवेल्युएशन अकाउंट के लिए हमें जो वैल्यूज दी गई हैं तो यहाँ देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 150 है और जबकि बैलेंस शीट में शो रही है 1,20,000. तो 30,000 से जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है. जो फर्नीचर है डिक्रीज हुआ है 5,000 से. फर्नीचर बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो 15,000 है और जो यहाँ दिया हुआ है वो 10,000 है. तो 5,000 से एसेट डिक्रीज हुई है. स्टॉक हमें दिया हुआ है 22,000 का. बैलेंस शीट में हमें गिवन है 25,000 का. तो 3,000 से स्टॉक जो है वो डिक्रीज हुआ है. डेप्टर्स हमें दिए हुए हैं 38,000 के और जो बैलेंस शीट है उसमें है 40,000 के. तो डेप्टर्स आपके 2,000 से डिक्रीज हुए हैं. रिवेल्युएशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेप्टर्स एंड क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग. दोनों साइड को आपने बैलेंस किया तो आपका प्रॉफिट आ गया 12,000 यश का और मलिक का 8,000 जो आपने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके बीच में बांट दिया. अब इसे हमने ट्रांसफर किया बाय रिवेल्युएशन अकाउंट उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 12,000 यश के अकाउंट में और मलिक के अकाउंट में 8,000. अब जो और चीजें गिवन है, कैपिटल अकाउंट का अमाउंट गिवन है यश का 80,000 और मलिक का 60,000 और इसके अलावा और भी कोई आइटम जो बैलेंस शीट है उसमें गिवन नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है. तो इनका बैलेंस पहले हम लिख देते हैं इनके कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 80,000 एंड 60,000. नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज हमने गिवन है गुडविल वॉज वैल्यूड एट 20,000. गुडविल 20,000 की है. अब ये जो गुडविल 20,000 की है वो पूरी फर्म की है. उसमें जो आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है, यश रिटायर हो रहा है, तो उसका शेयर कितना है. जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी यश एंड मलिक की वो थी 3:2. तो यश का जो शेयर है दैट इज 3/5. तो जो आपका गुडविल है 20,000 की जो गुडविल है उसका 3/5 हम निकालेंगे. 3/5 हम निकालते हैं तो वो आता है 12,000. इसका मतलब जो 12,000 की गुडविल है वो मिलेगी आपके जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको, दैट इज यश को. और वो देगा कौन? मलिक. वही सिंगल पार्टनर है तो वही देगा. तो बाय मलिक्स कैपिटल अकाउंट यश के अकाउंट में हमने लिख दिया 12,000 एंड टू यश कैपिटल अकाउंट मलिक के अकाउंट में हो गया 12,000. देन दोनों साइड्स को हमने बैलेंस किया तो हमें उनकी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस मिल गया. इस बैलेंस को हमने आगे ब्रॉड डाउन किया तो यश के अकाउंट में 1,04,000 हमने उसका बैलेंस देना है और जो मलिक का जो बैलेंस बचता है कैपिटल का वो है 56,000. अब हम देखते हैं जो हमने ये हमने जो भी रिटायर हो रहा था पार्टनर, जो यश रिटायर हो रहा था, उसकी सारी जो हमने एंट्रीज एडजस्टमेंट्स करनी थी वो कर दी. अब हम देखते हैं जो हमने विजय के अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है. जो नया पार्टनर आया है यश की जगह पर और उसके लिए उसने बोला है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट इनफ मनी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू अनेबल यश टू बी पेड आउट एंड लीव 2,000 एज वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेइंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट दैट मलिक एंड विजय शुड प्रोवाइड सच सम्स एज वुड मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स.
एंड यश एग्रीड टू मेक गिफ्ट टू हिज सन विजय बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट हाफ ऑफ द अमाउंट विच यश हैज टू प्रोवाइड। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए लिखा है, इट इज एग्रीड दैट यश शुड रिटायर एंड हिज सन विजय शुड ज्वाइन मलिक इन पार्टनरशिप एंड शुड बी एंटाइटल टू 2/5 प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो 2/5 प्रॉफिट ऑफ द फर्म किसका हुआ? विजय का। तो 3/5 जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया मलिक। तो जो विजय का प्रॉफिट है दैट इज 2/5। तो अब हम सबसे पहले जो ये आपने पे करना है यश को, इसके लिए और जो अमाउंट आपको चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होगी फर्म की, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ यश, वो चाहिए हमें 1,04,000 जो उसके कैपिटल अकाउंट से हमने कैलकुलेट की है। उसके अलावा उसने बोला हुआ है कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 का, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है मलिक की 56,000 और कैश रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल के लिए जो आपने रखना है दैट इज 2,000। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी नई फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1,87,000। अब इस 1,87,000 में से मलिक की कितनी होगी और विजय की कितनी होगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग? तो मलिक की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3/5 है। तो 1,87,000 का 3/5 आपने निकाला तो 1,12,200 उसकी जो है वो कैपिटल बनती है। और जो विजय की कैपिटल बनती है वो बनती है 7,480,000। तो यहाँ पर मलिक के अकाउंट में हमने टू बैलेंस सीडी में लिख दिया 1,12,200 और विजय के अंडर हमने लिख दिया 7,480,000 जो उनकी कैपिटल बनती है। अब इसमें जो चीज आगे हमने कैलकुलेट करनी है उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो विजय ने अमाउंट लेके आनी है उसका जो हाफ अमाउंट है वो यश ट्रांसफर कर रहेगा अपने कैपिटल अकाउंट से विजय के कैपिटल अकाउंट में। तो हम देखते हैं कि विजय कितनी उसने अमाउंट लेके आनी है। तो टोटल जो उसकी अमाउंट है जो उसे लेके आनी पड़ेगी, इसके लिए हमने एक टेबल बनाया है मलिक का और विजय का। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो मलिक की है दैट इज 56,000। अब गुडविल की बात करते हैं। जो विजय आएगा, विजय कैपिटल का शेयर और गुडविल दोनों चीजें लाएगा। तो गुडविल में जो उसका हिस्सा है वो कितना है? 20,000 की टोटल गुडविल है। जो आपका यश था, यश को आपने पे कर दिया गुडविल, जो रिटायर हो रहा था पार्टनर उसको गुडविल पे कर दिया। फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू की गई है उस टाइम पे 20,000 की। तो अब उस 20,000 की जो गुडविल है उसको बांटा जाएगा मलिक और विजय में। विजय आ रहा है 2/5 के लिए, तो 2/5 में उसका कितना शेयर बनता है गुडविल में? तो 20,000 इंटू 2/5 बना 8,000 और ये 8,000 किसको मिलेगा? मलिक को मिलेगा। तो 8,000 मलिक के अकाउंट में हमने ऐड कर दिया और विजय उसे लेके आएगा तो वहां पे हमने माइनस साइन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब टोटल कैपिटल कितनी है जो रिक्वायर्ड है मलिक की और विजय की जो नई फॉर्म में उनकी होनी चाहिए? मलिक की होनी चाहिए 1,12,200 और विजय की होनी चाहिए 74,800। अब जो टोटल उनकी कैपिटल हुई जो उन्होंने लेके आनी है, अब 1,12,200 में से 64,000 जो कैपिटल है वो ऑलरेडी मलिक की एग्जिस्ट कर रही है, तो उसे कितनी कैपिटल लेके आनी है? 48,200। और जो विजय है उसे कितनी लेके आनी पड़ेगी? 74,200 प्लस आपका 8,000, तो वो कितनी बन जाएगी? 82,800। और अब ये 82,800 जो टोटल विजय को लेके आनी है उसमें से जो हाफ अमाउंट है हम यश के अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं विजय के अकाउंट में। तो इसका हाफ आपने कर लिया 41,400 जो विजय यश देगा विजय को। तो जो अमाउंट विजय लेके आएगा वो होगा 41,400 और जो अमाउंट मलिक लेके आएगा वो होगा 48,000। तो इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लिख रहे हैं। यश का जो था हमारे पास 104,000 अमाउंट उसको ड्यू था। अब जो अमाउंट विजय को लेके आनी थी उसका हाफ हम जो यश है उसके अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे विजय के कैपिटल अकाउंट में। तो टू विजय कैपिटल अकाउंट 41,400 हमने लिख दिया यश के अकाउंट में और वही अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया विजय के कैपिटल अकाउंट में। तो बाय यश कैपिटल अकाउंट 41,400। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।